कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, कौन कौन से इसके फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर और नीचे में अंडर, ठीक है। दूसरा क्या फॉर्मूला आ जाता है, अगर हमें दर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, दर बराबर हो जाएगा ब्याज, ब्याज गुने हंड्रेड बट्टे में मूलधन नीचे आ जाएगा और समय भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें समय निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला आएगा, समय बराबर ये ब्याज और गुने सौ बट्टे में मूलधन गुने और ये दर नीचे आ जाएगा, ठीक है। हमें समय निकालना है। उसके बाद क्या आता है, मूलधन निकालना होगा तो क्या करेंगे, मूलधन 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 बराबर ब्याज गुने सौ बट्टे में नीचे में आ जाएगा समय गुने में दर, ठीक है। ये हमारे पास तीन चार फॉर्मूले हैं जिसके द्वारा हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा और भी नए नए फॉर्मूले हमारे पास आते जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, 500 रुपये दिया है, 4% वार्षिक ब्याज, यानी कि 1 साल में 4% ब्याज लगता है और 2 साल का क्या होगा। तो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या आता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। मूलधन हमारा क्या है, 500 रुपया हमने किसी को दिया है कितने दिन के लिए, 2 वर्षों के लिए 4% ब्याज पे। तो समय क्या है, 2 वर्ष 4% और नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, तो 40 रुपया जो हो जाएगा हमारा वो साधारण ब्याज हमारा निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 रुपया पर मासिक साधारण ब्याज 8 रुपया है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या पूछा है, मासिक ब्याज की दर, ठीक है, क्या पूछा है, दर पूछा है वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा। चलिए क्या बोला है, साधारण ब्याज कितना है हमारा, 8 रुपया मासिक है, तो हम सबसे पहले 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। एक साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 साल का ब्याज, 1 साल में 12 महीने होते हैं और 1 महीने में 8 रुपया, तो 12 96 रुपया इसका 1 साल का ब्याज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दर का फॉर्मूला लगाते हैं। दर का क्या फॉर्मूला होता है, दर बराबर हो जाएगा ब्याज, ब्याज गुने 100 बट्टे में क्या आ जाएगा, मूलधन और गुने में समय, ठीक। अब ब्याज कितना है, एक साल का ब्याज है 96 रुपया, 100 गुने में मूलधन कितना है, 1200 रुपया दे दिया गया है हमें, और समय कितना बोला है, 1 साल का बोला है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये आ गया 12 96, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 8% वार्षिक ब्याज का दर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमें क्या निकालना है, दर। अगर इस प्रकार जो अभी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट, उसमें अगर दर निकालना होगा तो क्या करेंगे, दर बराबर एन माइनस वन इंटू में 100 अपॉन में समय, ठीक है। ये फॉर्मूला से हम उस क्वेश्चन में अभी जो हम क्वेश्चन करने जाएंगे उसमें दर निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पे समय निकालना होगा, समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n माइनस वन इंटू में 100 बट्टे में दर, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे समय और दर निकाल सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। अब यहाँ पे n क्या है, तो n हमें यहाँ पे ये दिया गया है
कि कितना गुना होगा, कितना गुना है, कितना गुना है, क्वेश्चन में हमें दिया होगा कितना गुना, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, दर आपको पता है, हंड्रेड आपको पता ही है, समय आपको पता ही है, ठीक है। तो चलिए हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दर निकालना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन में अभी हमने दर का क्या फॉर्मूला लिखा था, दर बराबर एन माइनस वन इंटू में 100 बट्टे में समय। हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, समय दे रखा है, गुना दे रखा है, हमने एन क्या लिया था, कितना गुना होगा, तो यहाँ पे कितना गुना दिया है, 7 गुना, तो क्या लिखेंगे, 7 माइनस 1 गुने में 100 बट्टे में समय कितना दिया गया है, 3 दिया गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 गुने 100 बट्टे में 3, इसको काटेंगे ये 2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200%, ठीक है, तो वार्षिक ब्याज का दर क्या हो जाएगा, 200%। अब इसी पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें दर निकालना था, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, समय बराबर एन माइनस वन इंटू में 100 अपॉन में दर, ठीक, समय निकालना, एन क्या होता है, गुना, यहाँ कितना गुना बोला, 3 गुना, तो 3 माइनस वन इंटू में क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, दर क्या बोला है, 5%। अब इसको और इसको काट देंगे, आ गया 20 और इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो 20 दूनी 40, तो क्या आ जाएगा, 40 वर्ष में जाके क्या हो जाएगा, कोई भी धन जो ये धन दिया होगा वो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई धन 12 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में वही धन अपने से 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले क्या दिया है उन्होंने, 12 वर्ष 2 गुना, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, दर निकाल लेते हैं, दर का फॉर्मूला हमें पता है, दर बराबर क्या होता है, दर बराबर एन माइनस वन इंटू में 100 बट्टे में समय, ठीक है, पहले सिचुएशन में हमें समय भी दे रखा है और एन का वैल्यू भी दिया गया है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, दर निकाल लेते हैं, कितना गुना बोला है, 2 गुना, 2 माइनस 1 गुने में 100 बट्टे में समय कितना दिया गया है, 12, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100/12%, ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, कितने समय में वही धन अपने से 3 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे समय पूछा है, हमें पता है कि इसी धन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसी धन पे हमें समय पूछा है, दर हमें पता है, तो हम इधर समय निकाल लेते हैं, समय बराबर क्या आ जाएगा, समय बराबर n माइनस वन गुने 100 बट्टे में यह क्या आ जाएगा, दर, n हमें पता है 3 गुना माइनस 1 गुने में 100, दर कितना है, दर हमने क्या निकालना है, 100 बट्टे 12, तो ये 12 जो है नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा, ये 100/12, ये 12 ऊपर चला गया, अब इस 100 से इस 100 को काट देंगे, यहाँ माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 को 12 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 24 वर्ष, इसका आंसर क्या आ गया, 24 वर्ष, ठीक है। हमें क्या बोला था क्वेश्चन, कोई धन 12 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाएगा, और तो कितने समय में वही धन, इसी धन की बात किया है, तो पहले हमने रेट निकाल लिया, दर निकाल लिया, फिर हमने समय निकाल दिया जो हमसे उसने पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो आज के लिए ये 5 क्वेश्चन काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट और भी कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।